मम्मी मम्मी प्लीज, तुम तो चुप हो जाओ, रो मत, चुप हो जाओ प्लीज। ताबिश मेरी बात पर यकीन करो, मैं उनकी ज्वेलरी अपनी अम्मी को नहीं देकर आई थी, और जब मैं उनकी ज्वेलरी अम्मी के पास लेकर ही नहीं गई तो मैं अम्मी से क्या कहूँ, वो क्या सोचेंगी मेरी बात सुनकर। मुझे पता है रोमी, लेकिन मामा ने भी कोई गलत इंटेंशन से तुमसे ये बात नहीं की, वो सिर्फ हिंट दे रही थी कि क्या पता ऐसा हुआ। हिंट दे रही थी क्या? हिंट दे रही थी वो यही कह रही थी ना कि मैं उनकी ज्वेलरी अपनी अम्मी को देकर आ गई हूँ, यही कहना चाह रही थी ना, वो क्या समझ रही है। प्लीज प्लीज काम डाउन, मामा के लिए सिर्फ वो एक सेट नहीं है, उसके साथ उनके बहुत इमोशंस हैं, और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि औरतों के लिए ये पुरानी चीजें क्या अहमियत रखती हैं। यू नो दिस, तो उनके पॉइंट को भी समझने की कोशिश करो ना। मैं समझ गई उनका पॉइंट, उनका पॉइंट है कि मैं उनकी ज्वेलरी अपनी अम्मी को देकर आ गई हूँ, यही है उनका पॉइंट। तुम इस वक्त बहुत परेशान, पहले रिलैक्स हो जाओ फिर हम बात करते हैं, मुझे पता है यहीं कहीं होगी। आई नो, आई ट्रस्ट यू। विश, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मम्मी आप टेंशन ना लें, आपकी शुगर हाई हो जाएगी। तो क्या करूं, इतनी रिलैक्स होकर आई है, कह रही है कि ज्वेलरी गुम हो गई, हैरत है भाई। वैसे हैरत मुझे भी हो रही है कि ये जेवर कहाँ चला गया। सरज बेटा, आप सुबह रानी के साथ अच्छी तरह देखिएगा, हो सकता है रोमी टेंशन की वजह से वो चीज़ों को अच्छी तरह न देख पाई हो। जी पापा, आप एक काम करें ना, आप बेडरूम में जाके रिलैक्स करें, मैं यहाँ मम्मी के साथ बैठी हूँ। मम्मी, आपने भी ना सारा गोल्ड भाभी के पास रखवा दिया, उन्होंने जिंदगी में इतना गोल्ड देखा कहाँ होगा, इसलिए तो संभाल नहीं पाई। कितना प्यारा सेट था दादी का जो उन्होंने घुमा दिया। रोमी का ही सारा जेवर था ना, हर सास अपनी बहू को ऐसे ही देती है। हर सास नहीं देती है, बस आपका ही दिल बहुत बड़ा है। अब सारा का सारा गोल्ड आपने उन्हें दे तो दिया, लेकिन असल कहानी क्या है वो कोई नहीं जानता। ओह, मेरा तो सर फटा जा रहा है दर्द से। आप क्यों टेंशन ले रही है, मैं संभाल लूंगी ना सब, ढूंढ लूंगी मैं ज्वेलरी। अरे वो मिसेस खालिद क्या सोचती होंगी, इतने प्यार से उन्होंने पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, और खास तौर पर उन्होंने कहा था कि बहू को लेकर आइएगा, हम नहीं जाएंगे तो वो यही समझेंगी ना कि जान के नहीं आए, उन्हें क्या बताएं कि घर में क्या तमाशा हो रहा है। अच्छा ना, आप टेंशन क्यों लेती हैं, आप आए चले, गेट रेडी फॉर बेड, आप रिलैक्स करें, ज्वेलरी मैं ढूंढ लूंगी, बल्कि उनसे माजरत भी कर लूंगी जिनके पास डिनर पे जाना था।